नमस्ते दोस्तों, मैं समीशा डेरान स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आप सभी कैसे हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं अच्छी हूँ, जबरदस्त। आजकल मैं ब्रह्मा कुमारीज के शांतिवन कॉम्प्लेक्स में हूँ और यहाँ पे आज मैं पहुँची हूँ ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर। ग्लोबल हॉस्पिटल एक्चुअली ऊपर माउंट आबू में है और इस वक्त हम आबू रोड में हैं, शांतिवन के एरिया में, और यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर है। जो सुविधाएँ यहाँ हॉस्पिटल दो है, ऐसे तो तीन हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल मतलब ऊपर माउंट आबू में, यहाँ आबू रोड में दो हॉस्पिटल है, एक एवर हेल्दी जो शांतिवन कॉम्प्लेक्स के अंदर है और थोड़ा सा आगे जाकर भी ये ट्रॉमा सेंटर है। क्या कुछ सुविधाएँ मिलती है और ख़ासकर ये यहाँ पे महिलाओं को लेकर के जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं महिलाओं को, चाहे वो पीरियड्स के टाइम पे, चाहे वो फर्टिलिटी के लिए, चाहे वो मतलब कि बच्चादानी में कोई प्रॉब्लम हो, आजकल बच्चादानी में प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, तो उन सब के लिए यहाँ पे जो है बताया कि किस तरह के यहाँ पे इलाज होते हैं। साथ में हेल्पलाइन नंबर क्या है, यहाँ पे कोई भी आ करके यहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं। बाकी 2400 घंटे यहाँ पे सेवाएं रहती है 2400 घंटे की। और बाकी आप ध्यान से इसको फोकस करके दिखाओ। यहाँ देखिए हॉस्पिटल के अंदर ही बाबा, ये शिव बाबा, ये ब्रह्मा बाबा, हॉस्पिटल लग ही नहीं रहा। और ये हॉस्पिटल में ना इतनी स्पिरिचुअल टच आ रही है, हॉस्पिटल के अंदर ही इतनी स्पिरिचुअल टच और स्पिरिचुअल वाली फीलिंग आ रही है, बाबा की टच। यहाँ मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना, मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ, बाबा के क्लास रूम में बैठी हूँ, ऐसी फीलिंग आ रही है। यहाँ डॉक्टर भी इतने कूल है, पेशेंट भी इतने कूल, सारे कूल। ये देखिए हमारी आई पेशेंट, सब कूल। ये है जी ब्रह्मा कुमारीज का ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ये है ऊपर माउंट आबू में वो ग्लोबल हॉस्पिटल। देखो बाबा का झंडा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना चश्मे की। यहाँ तो इसका मतलब अंदर होगा या सस्ता होगा, पिछले कल हमने नीचे से कर दिया। वो भाई तो उस साइड चले गए, वो हमें क्या बताएंगे। हम ब्रह्मा कुमारीज के माउंट आबू में स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और बाहर से ही दिखाएंगे। बाकी अगर इलाज करने के लिए, यहाँ सिर्फ बीके का इलाज नहीं होता है, यहाँ पे जो माउंट आबू के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं और अन्य कई क्षेत्रों से लोग भी यहाँ पे आकर के अपना इलाज करवाते हैं। और डॉक्टर भी सारे बीके हो, ज़रूरी नहीं है, नॉन बीके भी यहाँ पे डॉक्टर्स हैं। और ये सामने देखिए ये रिसेप्शन है और यहाँ पे एक चिरंजीवी करके स्वास्थ्य बीमा योजना है, शायद ये यहीं राजस्थान सरकार का कोई होगा कोई योजना, जिनमें से अब तो हेल्थ वो चला है ना, आवा कार्ड चला है, तो ये कुछ योजना है चिरंजीवी। तो अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं। ये लक्ष्मी नारायण, इसमें मतलब लक्ष्मी नारायण ये है कि ये ब्रह्मा कुमारीज का जो यूनिवर्सिटी का एम ऑब्जेक्ट है, हम में मतलब नारी में लक्ष्मी जैसे गुण आए और नर में नारायण जैसे गुण, ये यहाँ का एम ऑब्जेक्ट है इस यूनिवर्सिटी। यहाँ वो चेंज हो गया, वो पहले बता रहे थे कि ना वो शायद ऑपरेशन होगा बिना पेड़ जो
यहाँ पे जो भी इलाज चलते हैं तो उसके बारे में आप स्क्रीन में पूरा बता रहे हैं, स्क्रीन लगा हुआ है, ये क्या कुछ सुविधाएं मिलती है यहाँ पे? पे ये डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ से आगे यहाँ बाबा का कमरा है, को मैं दिखाती हूँ यहाँ। ये देखो, ये है हॉस्पिटल के अंदर मेडिटेशन रूम। ये ऊपर ग्लोबल हॉस्पिटल, जो पिछले बार पिछले कल आपको दिखाया था वो नीचे था, वो था ट्रॉमा सेंटर। यहाँ हमारे रचना, ये हॉस्पिटल के अंदर ही देखो बाबा कितना अच्छा लग रहा है। आज के ब्लॉग में आपने देखा कि हम लोग ग्लोबल हॉस्पिटल के आई साइड में गए, क्योंकि आई साइड मेरी वीक हो चुकी है, मुझे लग गए चश्मे भी लेने गए, और यहाँ पे चश्मे बहुत रिजनेबल रेट में मिल रहे हैं। जो आपको 4000 के अंदर मिलता है हमारे को शिमला में, वो चश्मे यहाँ पे 600 में मिल रहे। सोचिए कितना अच्छा ऑफर चल रहा है। मैंने भी अच्छा ही किया जो अपना आई दिखा दिया, और साथ में मेरा ब्लड बीपी शुगर सब कुछ टेस्ट हो गया और सब कुछ कंट्रोल में है। तो काफ़ी दिनों से मेरा काफ़ी बीपी बढ़ गया था, वो भी बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, और बीपी भी नहीं सॉरी बढ़ नहीं गया था, लो हो गया था, वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो आज का ब्लॉग यही था। उम्मीद है आप सभी को यहाँ के वीडियोस अच्छे लगते हैं। पिछले साल भी मैंने बनाए थे, इस बार भी कोशिश करूँगी बनाऊँगी। वैसे तो आप लोग देखते ही है, जब मैं राजस्थान आती हूँ ब्रह्मा कुमारीज के कैंपस में आती हूँ, वीडियोस तो बनाती रहती हूँ। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं, ब्रह्मा कुमारीज के बारे में देखना चाहते हैं, कमेंट कीजिए। बाकी इस ब्लॉग में इतना ही, बाय बाय दोस्तों।